भाई जेठा, क्या हुआ, क्या है, ऐसा लोलक की तरह क्यों घूम रहा है? अरे बापूजी, मेरी मेहनत रंग लाई है और टोनी टीवी के मैंने इतना टीवी बेचे कि कंपनी ने खुश होकर हमारी लंदन की ट्रिप पंक्चर की है। फटाफट पासपोर्ट निकाल, एक घंटे में वो आ रहे दुकान पे। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है जेठा लाल, अभी पासपोर्ट पे वीजा लगते ही तुम तो सीधे लंदन। क्या कर रहे? क्या बात है सेठ जी, लंदन। अरे फिर सेठ जी। हाँ? एक दिन एक ज्योतिषी ने मुझे कहा था क्या कि नटू काका, आपकी वजह से मकर राशि का एक आदमी एक दिन विदेश जाएगा। मकर राशि का आदमी मतलब? मकर राशि खो जो, जैसे जेठालाल। आप कहना क्या चाहते हो? अभी ये जो मैं लंदन जा रहा हूँ आपकी वजह से जा रहा हूँ? और नहीं तो क्या। कैसे? अरे मैंने कितनी मेहनत करके टोनी टीवी का कितना सेल बढ़ाया, कितने टोनी टीवी बेचे, तभी तो आप लंदन जा रहे हैं। हाँ, ये बात में भी दम तो है नाटू काका। चलो ठीक है, आप भी मेरी तरफ से कहीं घूम कर आइए। भाई मुझे भी काम की कदर करना आता है। सेठ जी, भगवान आपको बहुत बहुत बरकत दे। काम कीजिए नाटू काका, आप चलो जाइए गेट ऑफ इंडिया घूम कर आइए। गेट ऑफ इंडिया? तो किधर जाना है? अच्छा ठीक है, चलो लोनावला जाके आए बस। नहीं सेठ जी, लोनावला नहीं जाना है। तो बचपन में मैं फिल्मों में कश्मीर बहुत देखता था, तब से मेरी कश्मीर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। सेठ जी, अगर आप मुझे कहीं घूमने भेजना चाहते हैं ना, तो कश्मीर भेजिए। नटू काका, मुझे भी एक ज्योतिष ने बताया था क्या कि जेठालाल आपकी वजह से एक दिन वृश्चिक राशि का आदमी सिर्फ लोनावाला घूमने जाएगा। बापूजी। हाँ? बापूजी वो लंदन में है वो। क्या? वो लंदन में बर्फ का गोला तो बहुत सस्ता मिलता होगा ना। वो क्यों? अरे लंदन में तो बर्फ की बारिश होती है ना, तो फिर बर्फ तो मुफ्त में ही मिलता होगा ना, है ना? हाँ हाँ, खोलती हूँ। ओहो, आइए आइए हाथी भाई, आइए पधारिए बापू जी। नमस्ते दया। नमस्ते नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। आओ बैठो। वो जरा एक पेशेंट आ गया था इसलिए आने में देर हो गई। आप लोग लंदन जा रहे हैं तो सोचा बधाई दे दूं। हाँ, दया भाभी। हाँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बस अभी बाद में खाती हूँ। चाचा जी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी। हाँ? ये देख, पहले से ही मिठाई का ढेर पड़ा है। देखिए। सही बात है, तो फिर एक आध दो इसमें से मैं खा लूं? अरे हाथी भाई दो चार क्या, पूरे के पूरे लड्डू खा लीजिए। नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी लगता है, एक दो आपके लिए बचा देता हूँ। खाइए खाइए। क्या बात है, कैसे है, टेस्टी है? बहुत टेस्टी है। मेरे साथ कोई काम होगा तो जरूर याद कीजिएगा। ठीक है। और चाचा जी लंदन में ठंडी बहुत पड़ती है, इसलिए सारे गर्म कपड़े रख लीजिएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ दया भाभी। ठीक है। दो तीन लेता हूँ। हाँ हाँ जरूर। ठीक है ठीक है। थैंक यू हाथी भाई। हाँ भाभी को भी थैंक यू कहना। हाँ हाँ बोलूँगा। सुंदर भाई, हाथी भाई, हेलो, सांस कीजिए डॉक्टर हाथी। क्यों? क्योंकि मेरे सांस अटकी हुई है। बस अब छोड़ दीजिए। हाँ। संभल कर। चलता हूँ मैं। मेना, 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 मेना रे, मेना रे। मेना लंदन जा रहे हो ना, बहुत बहुत बधाई, और ये बुके मेरी और माँ की ओर से। थैंक यू बाबूजी। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र भाई। देना।
टप्पू कहाँ है? टप्पू कहाँ है? टप्पू उसके दोस्तों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया है। मैं ना अब मैं आ गया हूँ ना, देखो लंदन जाने की कैसे तैयारी करवाता हूँ। अरे लंदन की तैयारी बाद में करना, पहले मुझे रक्षाबंधन की तैयारी करने दो। बोलो वीरा, मैं तुम्हें कौन सी राखी बांधू, चांदी की, सोने की या हीरे की? अरे बेना, तुम मुझे सिर्फ कच्चा धागा भी बांधोगी ना तो वो मेरे लिए सोने चांदी से बढ़कर होगा। वीरा बेना, सुंदर तूने बिल्कुल सही कहा। अरे भाई बहन का प्यार तो दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। इसीलिए तो कहते हैं बाबूजी, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सेठ जी, टोनी टीवी का सेल इसी तरह चलता रहा तो अगले साल अमेरिका की ऑफर आएगी। हो सकता है। तो सेठ जी, अमेरिका मैं जाऊंगा। हाँ जाना। हेलो मिस्टर जेठालाल, आई एम रॉय फ्रॉम टोनी टीवी। अरे रॉय साहब, आइए आइए बैठे आइए। नो, आई एम इन हरी, मुझे और भी डीलर्स के पास जाना है उनके पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। बराबर बराबर, तो क्या बोलो, चाय कॉफी क्या पियेंगे अब? नहीं थैंक यू, आप पासपोर्ट दे दीजिए। हाँ लाया, बिल्कुल लाया। ये लो, ये मेरा पासपोर्ट, ये वाइफ का, ये फादर का और ये बेटे का। एक्सक्यूज मी मिस्टर जेठालाल, मुझे सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी फैमिली का नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। ओ लंदन फुल फैमिली जाने का है तो पासपोर्ट सबका ही देना पड़ेगा ना? नो मिस्टर जेठालाल, लंदन सिर्फ आपको जाना है। लंदन सिर्फ आपको जाना है। एक मिनट भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ। अरे लेकिन लेटर में फैमिली लिखा है। नहीं तो क्या भाई? क्या नहीं तो मैं दिखाता हूँ लेटर। एक मिनट, नटुका का लेटर किधर है? अरे सेठ जी उधर ही है। अरे एक मैं दिखाता हूँ आपको, लिखा है भाई लेटर में। ऐसे क्या बात कर रहे हो आप? ले बात ये इसमें है, लिखा है, देखो किधर। अरे मेहता साहब ने पढ़ के बताया मुझे, क्या गलत थोड़ी पढ़ेंगे। यू आर राइट मिस्टर जेठालाल, इसमें फैमिली लिखा हुआ है। अरे जीव अधर चढ़ी गया भाई। लेकिन इसमें फैमिली का मतलब है बिजनेस फैमिली। ये स्कीम सिर्फ आप डीलर्स के लिए है। तो उसमें फैमिली क्यों लिखा है भाई? इसमें ये फैमिली के आगे बिजनेस वर्ड टाइप करना रह गया है, ये छोटी सी गलती है। छोटी सी गलती? अरे आपकी छोटी सी गलती की वजह से मेरा घर में बहुत बड़ी रामायण हो जाएगी भाई। अभी मैं घर में क्या जवाब दूं? देखिए इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ना कुछ नहीं, अभी सबको लेके जाना पड़ेगा, सबको लेके जाओ। मिस्टर जेठालाल, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कंपनी की पॉलिसी है कि ये स्कीम सिर्फ डीलर्स के लिए है। अरे ऐसे कैसे कंपनी है भाई, आप लोग चेक किए बगैर ऐसा लेटर भेज देता किसी को भी। सॉरी मिस्टर जेठालाल, मैं गलती मानता हूँ, चलिए मैं निकलता हूँ, मुझे और भी डीलर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और हाँ, मैं दूसरा एक लेटर बिजनेस फैमिली टाइप करके आपको भिजवा देता हूँ। वो लेटर को मैं क्या करूँ, उसकी भूंगड़ी वाड़ के उसमें चना डाल के खाऊं? कूल कूल मिस्टर जेठालाल, बाय। हेलो ने लंदन रे, अपने जइए रे, हरिये फरिये रे, बर्गरिया खाइए रे, आलन लंदन रे। सेठ जी क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है नटू काका, क्या करूं? बापूजी, टप्पू, दया, लंदन जाने की खबर सुनकर कितने खुश है। अरे सिर्फ सोसाइटी नहीं, पूरे अहमदाबाद में लंदन जाने की खबर फैल चुकी है, मिठाइयां बढ़ चुकी है। इन लोगों ने ना बोल के मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अभी मैं इनको सच्चाई कैसे बताऊं नटू काका?
सेठ जी, सच कहूं आपकी परिस्थिति इस वक्त कुरुक्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन जैसी है। वो भी अपने परिवारजनों पर वार करने से पहले दुविधा में पड़ गया था। उसी वक्त कृष्ण भगवान ने उसे गीता का ज्ञान दिया, उसी तरह आज मैं आपको नटू ज्ञान देता हूँ। बचपन में मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। हम घर के सभी लोग शादी में जा रहे थे, तब पता चला कि उन्होंने तो सिर्फ पिताजी को ही आमंत्रण दिया था। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे, घर के सभी लोग शादी में गए, टटके खाना खाया, किसी को कुछ पता नहीं चला। सेठ जी, वैसे आप भी हिम्मत मत हारिए, ये लोग भले ना कहे, आप भी सबको एयरपोर्ट पर ले जाइए, चुपचाप प्लेन में बिठा दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नटू काका, अभी मेरा सर फटू फटू हो रहा है, मेहरबानी करके चुप रहिए, नॉनसेंस जैसे आइडिया दे रहे हैं आप। जाइए, अरे काम पे जाइए। मेरी बेना कहाँ जाएगी? लंदन। मेरी बेना कहाँ जाएगी? लंदन। मेरी बेना कहाँ जाएगी? अरे लंदन। चलो भाई, सब लोग तैयार हुए कि नहीं? हाँ हाँ, बापू जी तैयार है। अरे अरे पूरा करे तो लगी बनना सके। अरे बेना, तूने सीता जी को फोन करके बताया कि नहीं हम खरीदी करने जा रहे हैं, उनका कुछ लाना है कि नहीं, पूछ तो लो। फोन करती हूँ, भूल ही गई बेबी। लग गया नंबर। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अरे मैं दया बोल रही हूँ, ग्राहक नहीं। हाँ दया बोल। पहले ये बताइए, आपने खाना खाया? दया इधर बहुत गर्मी की है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। जी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, सांस तो लेनी ही चाहिए। दया, आपने सांस ली कि नहीं? हाँ ले रहा हूँ, चल फोन रख। अरे लो, बातों बातों में काम की बात बताना तो भूल ही गई। अब आपके लिए खुश खबर है, मेरा वीरा सुंदर आ गया है। हेलो हेलो, आपने सांस ली कि नहीं? हाँ, सुंदर को देती हूँ, बात कीजिए। हेलो माय डियर सीता जी, कैसे हो आप? देखो सीता जी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरी शॉपिंग मैं ही करवा दूंगा। बोलो आपके लिए क्या लाना है? सुनो सुंदर, मैं क्या बोलता हूँ, ये शॉपिंग की इतनी जल्दी क्या है? जीजा जी, समय पानी की तरह बहता है। हाँ। फिर आखिरी घड़ी में भगदड़ मच जाएगी। अरे टेंशन तो अभी से हो गया है। मुझे देना जरा। हेलो, मैंने 50,000 रुपए शॉपिंग के लिए ले लिए हैं, अगर कम पड़े तो मैं आपको फोन करूंगी, आप पैसा लेके आ जाना। हेलो 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 दया, ये लंदन जाना एक तरफ, इधर 50,000 का चूना लग जाएगा। तू पर नाम लिखने से क्या फायदा। ओहो जेठालाल, जल्दी दुकान से। हाँ लंदन जाने की तैयारी जो करनी है। क्या हुआ मित्र, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैं तो सब, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या, जिस दिन मैं बिना छाता लिए घर से निकलता हूँ उसी दिन बारिश ऐसे धूप को चीरते हुए मेरे ऊपर गिरती है। तो भैया छाता घर से लेके निकलो, कौन बोलता है बारिश के सीजन में बगैर छाते निकलो। अरे प्रॉब्लम छाते का नहीं है मेहता साहब। तो सीधा सीधा बताओ ना दोस्त, बात क्या है? ओ सुबह आपने वो लेटर पढ़ा था ना? हाँ वो टोनी टीवी जो फैमिली लंदन टूर वाला, वो ना? वो पूरी फैमिली के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे अकेले के लिए है।
मैंने खुद पढ़ाया जेठा, उसमें साफ लिखा हुआ था कि ये टूर पूरी फैमिली के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। वही वो आए थे, वो बोला कि वो गलती से ऐसा लिखा है। फैमिली मतलब वो बिजनेस फैमिली, सब रिटेलर लोग मिल के जाने वाले हैं। और मेरे ख्याल से अब तक तो दया भाभी और टप्पू ने लंदन जाने के बहुत सारे सपने बुन लिए होंगे। वही तो, सच बताकर उनको दुखी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना जेठालाल, नहीं बताओगे तो बात और बिगड़ेगी। लेकिन बताऊंगा तो उन सबका मूड ऑफ हो जाएगा। अभी रक्षाबंधन भी है तो रक्षाबंधन भी ठीक से मना नहीं पाएंगे। सोच रहा हूँ रक्षाबंधन के बाद बताऊं तो। हाँ मेरे ख्याल से ये ठीक है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं भी नहीं जाता हूँ लंदन। अरे नहीं जेठालाल, तुम्हें जरूर जाना चाहिए क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। ओ मैं समझता हूँ मेहता साहब, लेकिन मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कमाता हूँ किसके लिए? फैमिली के लिए। अभी फैमिली साथ में नहीं है तो मैं अकेला हुआ क्या मजा करूँगा। सच कहा जेठालाल, परिवार से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। टप्पू बेटा मिला लंदन? नहीं मम्मी, लंदन है ही नहीं। तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? पापा आगे चलिए चलिए। अब ये देखो लंदन के लिए हम लोग ये मफलर लाया, फिर ये स्वेटर, फिर ये मेरा शर्ट, फिर ये जीन, फिर मम्मी के लिए चार चार चनिया चुनी ली। लंदन में तो चनिया चोली पहनेगी? हाँ। दया आप गड़ा, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चली जाए, फिर भी अपना हिंदुस्तानी संस्कार और पोशाक कभी नहीं भूल सकती। एकदम ठीक कहा बहू तूने, देश कौन सा भी हो वेश तो अपने देश का ही होना चाहिए। जीजा जी मैं आपके लिए एकदम बढ़िया डिजाइनर सूट लाया हूँ। अरे टप्पू वो सूट लाया तो जीजा जी आपके लिए इंटरनेशनल सूट लिया है, ये देखो। लंदन की गलियों पे जब ये सूट पहन के आप निकलोगे ना तो आपका वोट पड़ेगा जीजा जी। लंदन के रास्तों पे कोई नहीं चलने वाला है। मतलब हम तो वहाँ गाड़ी में घूमेंगे ना। हाँ मैं तो भूल ही गई। मिल गया लंदन। पापा देखो लंदन मिल गया। हाँ बेटा अब तो लंदन नक्शे में ही देख ले। टप्पू के पापा मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे वीरा सुंदर को अच्छी अंग्रेजी आती है। यस यस यस। तो क्यों ना हम भी उसे हमारे साथ लंदन ले जाए। नो 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 नो। अरे नहीं नहीं क्या वीरा, तुम भी सुंदर आओ ना, मजा आएगा। नो सिस्टर नो। सिस्टर एक बात नहीं सुनेगी। हाँ मामा चलो ना, प्लीज प्लीज मामा। अब ओके, जब तुम लोग इतना आग्रह कर ही रहे हो तो जीजा जी मैं अपना पासपोर्ट साथ में लेके ही आया हूँ, अब टिकट निकलवा दो। यस। जेठिया मुझे लगता है कि बहू ठीक कह रही है, अगर सुंदर भी हमारे साथ लंदन आएगा तो अच्छा रहेगा। क्या है कि वहाँ रास्ते में कहीं मुझे बाथरूम लगी तो हमें से पूछेगा कौन? हाँ बापूजी सही कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, सुंदर को ले जाए? दया हम वहाँ किसी शादी में नहीं जा रहे हैं कि तेरे सारे रिश्तेदारों को भी साथ में ले जाए। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, ये देखिए ये राखी ली है। राखी कल रक्षाबंधन है ना, तो मेरे वीरा ने खुद पसंद की है, चांदी की है। रक्षाबंधन के बाद ये साला सुंदर इस चांदी की राखी की भी रोकड़ी कर लेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सर दर्द हो रहा है जरा तो। सर दर्द? सर दर्द क्यों हो रहा है? अरे बेना
जब पहली बार विदेश जाते हैं ना तो टेंशन के मारे ऐसा सर दर्द हो जाता है। वो प्लेन में जैसे ही बैठेंगे ना उनका सर दर्द गायब हो जाएगा। ओहो, अरे आप क्यों टेंशन लेते हैं? लंदन की सब तैयारियां हो चुकी है, अब बस प्लेन में बैठने की देर है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप शहद खाना चाहें और छत्ते की तरफ बढ़ें शहद खाने के लिए और मधुमक्खी नाक पे काट लें तो ऐसी ही किस्मत है, कुछ ऐसी ही कुंडली है हमारे मित्र जेठालाल की। कुछ भी भला करने को जाएं, कुछ भी अच्छा करने की सोचें तो बुरा पहले हो जाता है। अब सोच रहे थे कि परिवार के साथ लंदन जाएंगे, लेकिन पता चला कि ये यात्रा तो परिवार के साथ नहीं है। अब क्या हो, शॉपिंग भी कर ली हजारों रुपए की, सपने भी मूल्य पूरे परिवार ने लंदन जाने के। अब जेठालाल कैसे बताएं कि लंदन जाने की ये जो कहानी है ये सिर्फ अकेले के लिए है, पूरे परिवार के लिए नहीं है। कुछ भी होगा लेकिन एक बात तय है कि आप हंसते रहेंगे इस सिचुएशन में, इतना हंसेंगे कि पूछिए मत। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।